गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन क्लासेस। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं मोर कॉन्सेप्ट के ऊपर मास मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, और टुडे वी डिस्कस द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्वेश्चंस। और आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, उस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों। वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप क्वेश्चन क्या हमारे पास, A gas mixture of 3 liter of propane and butane. हमारे पास एक गैस का मिक्सर है प्रोपेन और ब्यूटेन का 3 liter. On complete combustion at 25 degree Celsius, जब उसको हम कंप्लीट कंबेशन करेंगे 25 degree Celsius, produce 10 liter of CO2. तो 10 liter CO2 का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सर। अब उस 3 liter गैसेस मिक्सर में प्रोपेन कितना है और ब्यूटेन कितना है। देखिए बच्चों हमारे पास जो CH3 CH2 CH3 ये हमारे पास प्रोपेन है C3H, दैट इज प्रोपेन। ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन CH3 CH2 CH3 C3H, और ये हमारे पास है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 C4H10। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन। इट इज योर प्रोपेन C3H8 और इट इज योर ब्यूटेन C4H8। इन दोनों का मिक्सर है, गैस मिक्सर है 3 liter। इन दोनों का मिक्सर कितना भी हमारे पास है 3 liter। देखिए हमारे पास एक गैस मिक्सर ऑफ 3 liter, हमारे पास जो गैस का मिक्सर वो हमारे पास कितना है 3 liter है, जिसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन्स कंप्लीट है इंक्लूडेड। जिसमें क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है 3 liter। जब इनका हम कंबशन करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस तो हमें 10 लीटर CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 लीटर CO2। तो पहले बताओ जैसे हमारा प्रोपेन है, इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, और इसको हम क्या मान लेते हैं ब्यूटेन को वाई। क्लियर, प्रोपेन को हम क्या मान लिया एक्स और ब्यूटेन को क्या मान लिया वाई। तो बच्चे यहां पर x प्लस वाई इसका तो हमारे पास 3 liter हो गया, इक्वेशन टेस्ट आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बच्चा हमने ये प्रोपेन को हमने x मान लिया, ब्यूटेन को हमने y मान लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है 3 liter। तो x प्लस वाई इसका 3 liter। अब इनका कंबसन करते हैं बच्चों, C3H8 कंबसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और आपको पता है C3H8 जो प्रोपेन है ब्यूटेन है दीज आर हाइड्रोकार्बन, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर हाइड्रोकार्बन, और इनका कंबसन किसमें होगा CO2 plus H2। इसी टाइप से C4H10 ब्यूटेन, इसका कंबसन इसी में होगा भी आपका CO2 plus H2। मीन्स हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन आर द हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है हाइड्रोकार्बन, दीज आर द हाइड्रोकार्बन, और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कंबसन होता है वो किस में होता है आपके पास, एवरी हाइड्रोकार्बन इज कंबसन इन द CO2 and H2। क्लियर। अब हमारे पास रिएक्शन को बैलेंस कीजिए बच्चों एक बार, जैसे हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 3 carbon है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन बैलेंस हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन कितनी यहां पर 8, या 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास 6 और 4 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहां पे भी इक्वेशंस को रिटो ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, यहां पर हमारे पास 4 कार्बन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन यहां पर 10 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फिर ऑक्सीजन देखिए हमारे पास ऑक्सीजन में दिक्कत आई हमें, तो उसकी सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए बच्चों हमारे पास देखिए C4H10 that is the butane। क्लियर, तो इसमें आप अगर हमारे पास कार्बन 4 है 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, या फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, पर अब ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास 8 और 5 13, तो 13 के लिए तो हमारे पास कितना होगा आपके पास 13/2। क्लियर, दैट इज 13/2, क्योंकि हम 1 और 1 मोल का कंबशन कर रहे हैं, एक मोल प्रोपेन और एक मोल ब्यूटेन का कंबशन कर रहे हैं,
वन मोल प्रोपेन और वन मोल ब्यूटेन का कम्बशन कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास CO2 कितने प्रोड्यूस हुई बच्चों, यहां पर हमारे पास प्रोपेन से तो 3 और ब्यूटेन से 4, और हमारे पास टोटली CO2 कितने प्रोड्यूस हो रही आपके पास 10 लीटर। इसका मतलब प्रोपेन का हमने क्या माना था, x माना था, तो यहां पर 3x, 3 CO2 प्रोड्यूस हो रही है, और ब्यूटेन का हमने y माना था, यहां पर 4 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और किसके बराबर है 10 के बराबर, वो किसके बराबर है 10 के बराबर है। क्लियर? देखिए बच्चों हमारे पास जब हम इनका कंबशन करते हैं प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ CO2, कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 10 लीटर। तो यहां से हमारे प्रोपेन से 3 लीटर CO2 है तो 3x, ब्यूटेन को हमने y माना था उससे 4 CO2 तो 4y इज इक्वल टू 10, 10 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैस, तो उसके लिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन आप क्या लीजिए, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 3x + 3y इज इक्वल टू 9, और हमने माइनस कर दिया इसको। इक्वेशन फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सेकंड में क्या किया है माइनस। दोबारा देखिए इक्वेशन सेकंड हमने ऐसे लिखी 3x + 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस कर दिया, तो ये आपके क्रॉस हो गए, और यहाँ 4y में से y गया तो y, और 10 में से 9 गया तो 1, इसका मतलब y कितना गया हमारा 1। और बच्चों x प्लस वाई हमारा कितना है भी आपके पास 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस में 1 इज इक्वल टू में 2। इसका मतलब बच्चों हमारे पास गैसेस मिक्सर में प्रोपेन हमारा x था ना, तो प्रोपेन कितने आ गया आपके पास 2, और ब्यूटेन क्या था y, y कितना गया हमारे पास 1। इसका मतलब प्रोपेन कितना गया हमारे पास, प्रोपेन हमने x माना था ये 2 लीटर है, और ब्यूटेन हमने y माना था ये 1 लीटर है। क्लियर? ये हमारा गैसेस मिक्सचर था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा देखिए एक गैस मिक्सर ऑफ 3 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, हमारा जो गैस का मिक्सर है वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सर है, एक उसमें गैस प्रोपेन और सेकंड क्या है ब्यूटेन, उस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सर कितना हमारा 3 लीटर है। ये प्रोपेन आपके पास C3H8 और C4H10 हमारे पास क्या है ब्यूटेन। क्लियर? अब ये कह रहा हमारे पास जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर हमारे पास 3 लीटर आपके पास है। क्लियर? अब हमारे इसका हमने x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया y मान लिया, इसको हमने x मान और इसको क्या मान हमने y माना है, तो हमारे पास दोनों का मिक्सर कितना है 3 लीटर है, तो x + y इसका भी कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। क्लियर? क्योंकि प्रोपेन इज x और ब्यूटेन इज y। अब इनका कंबशन करते हैं, प्रोपेन का कंबशन किया तो हमारा 3 मोल्स ऑफ CO2 मिला और H2, ब्यूटेन का कंबशन किया तो 4 मोल ऑफ CO2 + H2, तो हमें 10 लीटर CO2 का प्रोडक्शन होगा 10 लीटर। तो यहां पर CO2 कितने मोल्स है 3 मोल्स, प्रोपेन से तो 3x, ब्यूटेन से 4 तो 4y, 3x + 4y = 10। अब हमारे पास इक्वेशन की इक्वेशन हो गए, हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड एज इट है, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसका मतलब प्रोपेन कितना गया 2 लीटर, ब्यूटेन कितना आ गया 1 लीटर। ये हमारे किसकी इक्वेशन है बच्चों, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की इक्वेशन है, दीज आर इक्वेशंस ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए हमारे बोर्ड कॉन्सेप्ट के जो स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट है बच्चों उसके हम जो न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे हैं, हम ये लास्ट टाइप कर रहे हैं बच्चों वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, इससे पहले हमने मास मास किया था, उसके बाद मास वॉल्यूम, अब हमारी ये लास्ट टाइप है जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट complete combustion of
volumes of 200 centimeter cube of acetylene. Of acetylene, and what would be volume of and what would be volume of carbon dioxide for CO2 for. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्लिप इज रिक्वायर्ड व्हाट वॉल्यूम ऑफ एस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एट स्लिप क्वेश्चन क्या हमारे पास व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है किसको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर we find out volume of oxygen at STP standard temperature pressure is required to affect complete combustion किसका है 200 centimeter cube of acetylene किसका combustion करना है complete 200 centimeter cube of acetylene and what would be volume of CO2 formed इसका मतलब जब हम acetylene का combustion करेंगे किसका combustion कर रहे हैं acetylene जैसे हम acetylene का combustion करेंगे तो ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी और CO2 का कितना फॉर्मेशन होगा ये दोनों फाइंड आउट करने हैं देखिए बच्चों हमारे पास एसिटाइलिन क्या होता है आपके पास C2H2 एसिटाइलिन क्या होता है C2H2 इज एसिटाइलिन इसका हमें कंप्लीट कंबशन करना है इसका कंबशन देखिए हम पहले बता चुके बच्चों किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन एनी हाइड्रोकार्बन का कंबशन CO2 प्लस H2 में होता है C2H2 एसिटाइलिन हमारी जो इथाइलिन गैस आपके पास इसका कंबशन किसमें होगा आपके पास इथाइलिन का CO2 प्लस H2 क्योंकि एवरी हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है वो किसमें होता है CO2 प्लस H2 में होता है या टू कार्बन है तो हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्लियर अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं टू है तो टू है आपके पास लेकिन ऑक्सीजन कितने हमारे पास टू और वन फाइव हो गया आपके पास तो बैलेंस नहीं हो पाएगा इसका इसका मतलब हमें बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा आपके पास इसके मोल्स को अगर हम डबल कर दें इसके मोल्स को हम क्या कर दें डबल क्लियर इसके मोल्स हमने डबल कर दिया तो हाउ मेनी कार्बन देयर विल बी फोर कार्बन अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम फोर से या टू है फोर कार्बन होगी तुमने फोर से मल्टीप्लाई किया अब हाइड्रोजन भी कितनी होगी फोर या टू से मल्टीप्लाई करके फोर हाइड्रोजन हो गए अब हमारे पास टू ऑक्सीजन और 10 ऑक्सीजन की आप हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से अब हमारी कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस है क्लियर यानी 2C2H2 प्लस 5O2 4CO2 प्लस 2H2 देखिए क्या इक्वेशन बैलेंस आती 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन देयर आर आल्सो 4 हाइड्रोजन 8 और 2 10 ऑक्सीजन अब हमारी इक्वेशन बैलेंस है क्वेश्चन क्या है जब हम एसिटाइलिन का कंप्लीट कंबशन करते हैं इसका हमने कंप्लीट क्या किया कंबशन किया तो कहते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड हमें ऑक्सीजन की क्या वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी हमें ऑक्सीजन की क्या वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी एट STP ये निकालना है और दूसरा कितना CO2 फॉर्म होगा हमें ये फाइंड आउट करना है क्लियर किसका कंबशन करना हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब का कितने का कंबशन करना है इसकी वॉल्यूम कितनी देखिए हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखी कितनी वॉल्यूम दे रखी हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर अब हमारे पास इसके 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितने वॉल्यूम हमें फॉर्म होगी ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसके 200 सेंटीमीटर क्यूब से हमें कितने वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा अब रिएक्शन के बेसिस पे देखिए बच्चों जब एसिटाइलिन के 2 मोल्स थे तो ऑक्सीजन कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट हुई थी 5 रिएक्शन के बेसिस पे जब एसिटाइलिन के कितने मोल्स है यहाँ पर 2 मोल्स है तो ऑक्सीजन कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है 5 मोल्स की यानी 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्ड O2 देखिए बच्चों ऑक्सीजन जब एसिटाइलिन के 2 मोल्स था हमारे पास बच्चों ध्यान से देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमने देखिए सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस किया इक्वेशन को बैलेंस किया तो इक्वेशन के बेसिस पे यहां पर कितने मोल्स आपके पास 2 मोल्स है और कितने मोल्स है 5 मोल्स है
जब एसिटाइलिन के टू मोल्स का कंबशन करना है, एसिटाइलिन के टू मोल्स का कंबशन करना है, तो हमें ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 मोल्स की, और इसका एक मोल कंबशन करेंगे तो हमारे पास क्या गया, 5/2। हमारे पास इसकी कितनी वॉल्यूम, आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए कितना रहेगा आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास कितना गया आपका 500 सेंटीमीटर। हाउ मच वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। तो हमें ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पास, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2। क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बचो, व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, हमें CO2 की कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, हमें CO2 की हाउ मच वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड ऑफ CO2, हमें CO2 कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी उसको देखिए बच्चों। जब हमारे एसिटाइलिन के टू मोल्स थे, एसिटाइलिन कितने मोल्स थे, 2 मोल थे, तो CO2 के हमारे पास कितने मोल थे, 4 मोल थे। क्लियर, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन गिव्स CO2, CO2 कितने मोल थे इसने, 4 मोल। रिएक्शन के बेसिस पे जब इसके 2 मोल थे तो CO2 कितने मोल थे हमारे पास, 4 मोल। 2 मोल एसिटाइलिन में CO2 कितने मोल्स दिए, 4 मोल दिए। 1 ने कितने मोल्स दिए बच्चों हमारे पास, 4/2। अरे 1 ने कितने मोल्स दिए, 4/2। इसके पास कितने मोल हुए, 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब कितने मोल्स देगा, इनटू बाय 200, ये हमारे पास कितना गया आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब बच्चों हमारे प्रश्न में क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितनी है हमारे पास, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, CO2 कितनी वॉल्यूम फॉर्म है बच्चों हमारे पास, 400 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते बच्चों, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन, हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन का कंप्लीट कंबशन करना है, उस केस में हमारे ऑक्सीजन की क्या वॉल्यूम फॉर्म होगी, ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम फॉर्म होगी ना, ऑक्सीजन कितनी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगी, और CO2 की कितनी वॉल्यूम फॉर्म होगी। क्लियर। एसिटाइलिन क्या होता है बच्चों, C2H2, हालांकि एसिटाइलिन हमारे फ्रूट्स को पकाने में भी यूज होती है बच्चों, ग्रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, एसिटाइलिन हमारे पास फ्रूट्स को पकाने में यूज होती है। दूसरा जो गैस वेल्डिंग होती है बच्चों, गैस वेल्डिंग में भी एसिटाइलिन गैस होती है, यानी जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है उसमें भी हमारी कौन सी गैस होती है, एसिटाइलिन गैस होती है, यानी इट इज आल्सो यूज्ड इन ग्रिपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेल्डिंग पर्पज। क्लियर। तो चलो बोलते जनरल नॉलेज की बात, इसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन था, यहाँ देखिए ये हमारा एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन से हाइड्रोकार्बन, एसिटाइलिन हमारे क्या हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब इसका हम कंबशन करेंगे तो हमारे पास किसमें होगा, इसका CO2+H2 में होगा, किसमें होगा, CO2+H2। ऑन द बिहाफ ऑफ रिएक्शन, जब इसके टू मोल्स थे हमारे पास, टू मोल्स थे, तो पहले हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट निकालनी, क्या निकालनी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो मोल्स ऑफ एसिटाइलिन की कंबशन के लिए ऑक्सीजन कितने मोल्स चाहिए, 5 मोल्स चाहिए, 2 मोल को कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन कितने मोल्स चाहिए, 5, ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शन, 2 मोल्स को कंबशन करने के लिए 5 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 5/2, एसिटाइलिन कितना हमारे पास, 200 सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। यानी फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटाइलिन वी रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड केस में अब हमें कहते हैं कितना CO2 फॉर्म होगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 विल बी फॉर्म, जब 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन होगा तो हमारा CO2 कितना मिल रहा है, 4 मोल, 1 में कितना मिलेगा हमें, 4/2, और 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलेगा, इनटू बाय 200 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू द 400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब CO2 का फॉर्मेशन कितना होगा हमारा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स क्लियर।
इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, देखिए आपने बच्चों महसूस क्या होगा कि जो मास मास रिलेशनशिप क्वेश्चन, उसके बाद हमने मास वॉल्यूम किया और अब हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बच्चों जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन में भी सबसे इजी होते हैं, इसमें सबसे आसान जो क्वेश्चन हमारे पास वो किसके हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों इसमें, जितना आप टाइम देंगे उतना आपसे बेस्ट होगा। सिर्फ आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए भी बेस्ट है। क्लियर? तो बच्चों आप इस पर थोड़ा सा अच्छे से टाइम दीजिए, जितना टाइम देंगे वो आपके लिए भी बेस्ट है और हमारे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, 5.6 लीटर और मीथेन गैस ऑफ मीथेन गैस और इग्निटेड इन ऑक्सीजन गैस इन ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर। बच्चे छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, ध्यान से देखिए पूरा, अपने पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस आर इग्निटेड इन ऑक्सीजन, मतलब मीथेन गैस का क्या होगा, कंबशन होगा। ये हमारी मीथेन गैस है, इसका क्या है, कंबशन। जब भी हमारा मीथेन गैस का कंबशन होगा, देखिए बच्चों हमारी मीथेन है ये भी हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन किसमें होता है, CO2+H2O। और जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या CO2+H2O, हमारे रिएक्शन में बैलेंस। क्लियर? क्या क्वेश्चन हमारे पास, 5.6 लीटर ऑफ मीथेन, हमारे पास मीथेन कितना, 5.6 लीटर है। हाउ मच मीथेन वी हैव, वी हैव 5.6 लीटर मीथेन इग्निटेड टू ऑक्सीजन गैस, हमें ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में इग्निटेड हो रहा है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, हमें CO2 का फॉर्मेशन करना है। जब मीथेन का बच्चों एक मोल था तो CO2 का भी एक मोल है, और SDPP कितना है भी आपका, 22.4 लीटर, 1 × 22.4 लीटर SDPP एक मोल है, तो 1 × 22.4 लीटर। क्लियर? यानी 1 मोल ऑफ मीथेन गिव CO2, कितना CO2 दे रहा है भी आपका, 1 × 22.4 लीटर। के लिए तो 1 में कितना देगा भी आपके पास, 22.4। एक मिनट बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट भी स्टॉप कीजिए जस्ट एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस आर इग्निटेड इन ऑक्सीजन गैस, जो 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस है वो इग्निटेड होता है इन ऑक्सीजन गैस, इसके प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, हमें क्या निकालना है, CO2 के कितने मोल्स का फॉर्मेशन होगा, CO2 कितने मोल्स का फॉर्मेशन। देखिए बच्चों STP के ऊपर हम ये कंडीशन लेंगे, इसके तो हमें मोल्स फाइंड आउट करना है, ये चीज हम कंफ्यूज हो गए थे बच्चों, आप ही कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि हमें दोबारा दिक्कत नहीं आए। हमें बच्चों CO2 के तो मोल्स निकालने हैं, और CO2 का यहाँ पर कितना मोल्स है, 1, और मीथेन का एक मोल, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, क्योंकि हमें वॉल्यूम से निकालना है बच्चों, हमें किससे निकालना है, वॉल्यूम से, और क्या निकालना है, CO2 के मोल्स। यहाँ पर एक STP के ऊपर, STP पे इसके एक मोल की वॉल्यूम क्या होगी, 1 × 22.4 लीटर। क्लियर? इसका मतलब ये CH4 एक मोल CO2 गैस फॉर्म करता है ना, कितने गैस फॉर्म करता है आपके पास, 1 मोल, तो इसका मतलब 1 × 22.4 लीटर CH4 एट STP प्रोड्यूस CO2, कितने CO2 प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। बच्चों यहां CH4 की हम वॉल्यूम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि हमें CO2 के तो मोल्स निकालने हैं, और मीथेन की क्या लेंगे, वॉल्यूम।
तो मीथेन के एक मोल की वॉल्यूम क्या होगी एसकेपी के ऊपर 22.4 लीटर, 1 मोल × 22.4 लीटर, तो 1 × 22.4 लीटर मीथेन एट एसकेपी प्रोड्यूस CO2 एक मोल, तो 1 में कितना प्रोड्यूस होगा 1/22.4, और हमारे पास कितना है 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर में कितना प्रोड्यूस होगा इनटू 5.6 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल होगा मोल बच गया आपके पास, तो कितना आएगा 5.6/22.4, दैट इज मोल्स ऑफ CO, दैट इज मोल्स ऑफ CO। दोबारा से क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस आर इग्निटेड इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म। ये कहता है बच्चों हमारे पास 5.6 लीटर हमारे पास क्या है मीथेन गैस है, क्या है मीथेन गैस इग्निटेड इन ऑक्सीजन, हमें मोल्स ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है मोल्स ऑफ CO2, दैट इज आवर CH4 गैस मीथेन गैस, दैट इज हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन किसमें होगा CO2+H2O। क्लियर, अब इसके एक मोल की वॉल्यूम निकाला एसकेपी के ऊपर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ये कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है एक मोल, तो 1 में कितना प्रोड्यूस करेगा 1/22.4, और हमारे पास इसकी क्या वॉल्यूम है 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर क्या करेंगे इनटू 5.6। क्लियर, अब इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखा आपके पास, देखिए बच्चों पूरे भी डिस्कस था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्वेश्चन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्वेश्चन, और मे भी आपको काफी आसान लग रहे क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से कीजिए इन क्वेश्चन को। टुडे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपके पास है बच्चों, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर कंडक्टर।